गुना जिले की बासोदा विधानसभा क्षेत्र की जनपद ग्यारसपुर की दुकानों की नीलामी संपन्न हुई, जिसमें ग्यारसपुर एसडीएम आरती यादव ने लॉटरी के द्वारा अलग अलग वर्ग की आरक्षित दुकानों की पर्ची उठाई। इसके बाद आरक्षित दुकानों की बोली लगाई। बोली लगाने के लिए कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 फार्मर निरस्त किए गए। उनके पास बीपीएल कार्ड न होने की वजह से निरस्त किए गए और 24 आवेदनकर्ताओं ने बोली लगाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सामान्य वर्ग श्रेणी के पात्र हितग्राहियों की बोली लगाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा बोली 3,50,000 मालती प्रजापति ने लगाई और सबसे कम न्यूनतम बोली रुपेंद्र कुशवाहा 95,000 लगाई, जिनको दुकानें मिली है। इस प्रकार से 10 दुकानों की नीलामी हो चुकी है। 4 दुकान अब भी शेष रह गई है और आगामी समय में नीलाम की जाएगी। विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बिना किसी विवाद के अच्छे तरीके से कर दी है, जिसमें से 4 दुकानें सिर्फ शेष रह गई हैं, जिसकी हम आने वाले महीने में दोबारा विज्ञप्ति निकाल कर दोबारा से नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और जो 4 दुकानें बची हैं वो केवल इसलिए नहीं हो पाई।